Hello dear students, welcome once again. So today in this video lecture, I will tell you about a very important plant hormone. As you all know, we are discussing this video series for class 10th students. So three plant hormone I have already discussed, and if you have not watched my videos, you can go and watch my videos of that particular plant hormone like auxin, gibberellin, cytokine. So in this video, I want to tell you about, in very brief, about a gaseous plant hormone. Among all the plant hormone, ethylene is the only gaseous plant hormone. So we are going to discuss about this. Students, आप सभी लोग यहाँ पे focus करें कि हम लोग क्या discussion करने वाले हैं. Ethylene जो कि एक gaseous plant hormone है और इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ. तो आप सबने सुना होगा कि कभी भी आप एक अनराइप फ्रूट के पास अगर एक कोई राइपन फ्रूट रख दें, अनराइप फ्रूट है अगर, तो आप वहां पे अगर कोई राइपन फ्रूट रख दें नियर बाय अनराइप फ्रूट के, तो वो फ्रूट जो अनराइपन है वो भी राइपन हो जाता है. ये किस लिए होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन हार्मोन. और आप सबको पता है, या तो हम लोग अनराइप फ्रूट को कभी कभी पेपर से कवर कर देते हैं ताकि उसकी जो राइपनिंग है वो फास्टर हो जाती है. इट विल राइपन फास्टर, एंड दिस इज ड्यू टू द गैशियस प्लांट हार्मोन. दिस इज द ओनली गैशियस प्लांट हार्मोन विच इज कॉल्ड एथाइलीन, एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. मुझे लगता है ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन है ये? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, गैशियस हार्मोन है. और हम लोग इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, कि कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है, तो राइपनिंग फ्रूट्स में और एजिंग टिश्यूज में, जहां पे एज बढ़ रही होती है जिन टिश्यूज में, मीन्स दैट आर गोइंग टू मैच्योर, ऐसे टिश्यूज में हम लोग को इथाइलीन मिलने वाला है. तो हम ऐसा फंक्शन कह सकते हैं. इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, पहला फंक्शन तो यही हो गया स्टूडेंट्स इसका, कि ये फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस करता है. इट इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग. एंड इट विल प्रमोट एजिंग एंड सेनेसेंस. एजिंग और सेनेसेंस को प्रमोट करता है. इट विल प्रमोट एजिंग. और स्टूडेंट्स, एजिंग का मतलब प्लांट मैच्योर हो रहा है और वो अपनी सेनेसेंस स्टेज में जा रहा है, मींस ओल्ड एज में प्लांट एंटर करने वाला है. और इट ब्रिंग एब्सेशन ऑफ लीव्स. यहाँ पे लीव्स का एब्सेशन भी होगा, मींस फॉलिंग ऑफ लीव्स, एब्सेशन ऑफ लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. एब्सेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अलोंग विद द एब्सेसिक एसिड. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इथाइलीन प्लांट हार्मोन एब्सेसिक एसिड की मदद करेगा और ये एब्सेशन में हेल्प करेगा फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स. प्रमोशन करता है एब्सेशन का विद द हेल्प ऑफ एब्सेसिक एसिड. सो दिस इज ऑल अबाउट इथाइलीन. आई टोल्ड इन वेरी ब्रीफ स्टूडेंट्स, बिकॉज दीज वीडियोज आर स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. They don't have to go in too much detail. They have to know only about a brief idea and outline of that particular hormone. So thank you students once again for your cooperation and continuously watching me and supporting me. So I hope we will meet soon with last plant hormone, that is the abscisic acid. Okay dear students, bye, take care.